विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव को लेकर सभी के मन में हलचल बढ़ती जा रही है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सीकराय विधानसभा सीट के बारे में। आज हम बात करेंगे अजमेर उत्तर विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान का दिल कहा जाने वाला अजमेर राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम है। अजमेर जिले की अजमेर उत्तर विधानसभा सीट का गठन विधानसभा परिसमन 2008 के समय हुआ था। ये विधानसभा सीट 2008 के परिसमन से पहले पश्चिम विधानसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2008 के परिसमन में सीट को नई विधानसभा अजमेर उत्तर बनाया गया। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो उस समय सीट पर 2,63,012 मतदाता थे, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार वासुदेव देवनानी को जिताया था। वासुदेव देवनानी को 67,881 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह के खाते में 59,291 वोट आए थे और उन्हें 8,630 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी इस महीने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में, इस सीट पर करीब 2,82,091 मतदाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पुराने चेहरे पर ही दाव खेला है। बीजेपी ने फिर से वासुदेव देवनानी को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने फिर से अपना भरोसा महेंद्र सिंह रुलावता पर दिखाया है। अब बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, अजमेर उत्तर विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम, राजपूत, सिंधी, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, जहाँ मुस्लिम लगभग 30,000, राजपूत लगभग 28,000, सिंधी लगभग 25,000, ब्राह्मण लगभग 25,000 है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस इस बार वापसी कर पाएगी या बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा, ये तो यहाँ के मतदाता ही तय करेंगे। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।